देखिए, हम कल पढ़ रहे थे प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें। हमने कल तीन बातों का जिक्र कर लिया था। तीन कौन सी बातें थी आप बताइए? पांच साल के लिए जरूरी नहीं है कि पांच साल में शासन, उसके पहले भी निषेधात्मक कार्रवाई की जा सकती है, उसे वापस बुला ले। दूसरी चीज, पक्ष और विपक्ष को क्या है कि विपक्ष को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए ताकि वो हथौड़ी की तरह काम करें। और तीसरा है कानून व्यवस्था, कानून की नजर में सब क्या होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। तीन आवश्यक बातें हमने कल देख ली थी। अब उसके बाद देखिए, ताकि शासन व्यवस्था शुद्ध बनी रहे, न्याय संगत रहे, राजनीति से दूर रहे, इसलिए इंग्लैंड के लोगों ने राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया है। एक तो देखिए, इंग्लैंड में राजनीतिक कार्यालय एक अलग चीज है, सिविल कार्यालय। सिविल कार्यालय में जहां पर किस ये जो सरकारी नौकर होते हैं वो काम करते हैं, सिविल कर्मचारी स्थायी रूप से बने रहते हैं। कोई भी पार्टी शासनारूढ़ हो या सभी पार्टियों की आज्ञानुसार कार्य करने होते हैं, उसके उस कार्य में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो सिविल लोग होते हैं, जो ऑफिसों में काम निपटाने वाले लोग होते हैं, उनके कार्यों में कभी भी इंग्लैंड में कोई भी मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मुझे स्पष्ट रूप से एक अनुभव याद आ रहा है कि मुझे उस समय हुआ जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे लगभग हर वायसराय के नाम दिल्ली में कोई न कोई स्ट्रीट या क्लब है। ऐसे एक ही वायसराय गवर्नर जनरल है जिनके नाम पर कोई स्ट्रीट या कोई दूसरी संस्था नहीं है, और उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। नाम ही ऐसा है, उसके नाम पे क्या सड़क रहेगी। तो क्या नाम था? लॉर्ड लिनलिथगो। उनका प्राइवेट सेक्रेटरी मेरा मित्र था। उस समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेरे पास था और ऐसे बहुत से काम थे जो मेरी देखरेख में हो रहे थे। वह आया और धीरे से मुझे कहा, मेरे पी डॉक्टर, कि आप लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी संस्था या कार्य का नामकरण नहीं कर सकते। उसने कहा, यह बुरी तरह खटकता है कि सभी का नाम है, केवल उन्हीं का ही नाम नहीं है। जब वो वायसराय था लिनलिथगो, उसका जो सेक्रेटरी था, उस सेक्रेटरी था वो किसका दोस्त था? भीमराव अंबेडकर का दोस्त था। और उसमें पब्लिक डिपार्टमेंट मतलब कि ये सड़क बनानी, ये निर्माण करना, ये काम किसके हाथ में थे? उस समय भीमराव अंबेडकर के हाथ में थे। तो उस व्यक्ति ने आके कहा कि क्या आप इस वायसराय के नाम पर कोई संस्था या कोई सड़क का नाम नहीं रख सकते, क्योंकि सबके नाम पर कुछ न कुछ है। मैंने कहा, मैं विचार करूंगा। उन दिनों में जमुना के ऊपर एक बांध बनवाने पर विचार कर रहा था ताकि गर्मी के मौसम में दिल्ली के लोगों को पानी का कष्ट न हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी सूख जाती है। मैंने अपने सेक्रेटरी को, जिनका नाम एच सी प्रायर था और जो कि यूरोपियन था, कहा, प्रायर मास से वायसराय के सेक्रेटरी ने मुझे ये बात कही है, क्या तुम समझते हो कि इस संबंध में हम क्या कुछ कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं? किसने उत्तर दिया होगा? उसका जवाब था, जब मैंने पूछा कि क्या वायसराय के नाम पे कोई काम कर रहे हो, जैसे डैम बनाना था यमुना नदी पे, तो क्या इसके लिए कुछ कर सकते हैं? उनका नाम अपन तो आप क्या समझते हो? उसने उत्तर दिया होगा। देखो उसका जवाब क्या था? उसका जवाब था, महोदय, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि किसी का ऐसा उत्तर देना असंभव प्राय है। मिनिस्ट्री की इच्छा के प्रतिकूल किसी अफसर का कुछ कहना आज मुझे एकदम असंभव लगता है। आज तो नेता यदि अफसरों को कहे कि या बैठ तो बैठ जाते, या कहो तो उठ जाते हैं। मतलब उनका अपना कुछ मॉरल रहा ही नहीं, जबकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इन दिनों ये संभव था, क्योंकि ब्रिटेन की तरह हमने भी बुद्धिमता पूर्वक फैसला कर रखा था कि सरकार की शासन व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। सरकार का काम है पॉलिसी या नीति तय करना, उसका यह काम नहीं कि शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करे या पक्षपात से काम ले। देखो, सरकार का काम है कानून बनाना, और उन कानूनों को कैसे क्रियान्वित करना, ये किसका काम है? गवर्नमेंट सर्वेंट का। वो यदि कानून बनाने के मामले में यदि गवर्नमेंट सर्वेंट हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो उस कानून को लागू करवाने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट की खुले हाथ होने चाहिए, नेता उसमें हस्तक्षेप नहीं करें। यह बात महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है अब हम इस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं कि ऐसा न कि हम इस मर्यादा का एकदम परित्याग कर दें। तो सफल प्रजातंत्र के लिए चौथी शर्त कौन सी हुई? कि सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन होती है। जहां जो राजनेता होता है उसका काम है कानून बनाना, पर दूसरी तरफ जो सरकार का काम होता है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, उस कानून को लागू करना, न तो ये उसके काम में हस्तक्षेप करते हैं, न इनको करना चाहिए। अर्थात कि राजशाही और तानाशाही उनके एक लिमिटेशन में, उनके एक दायरे हैं, उन दायरों में रहकर उन्हें क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। तो ये है प्रजातंत्र की चौथी शर्त। मेरे मत के अनुसार प्रजातंत्र के सफल संचालन के लिए जो चौथी शर्त आवश्यक है, वह यह है कि हम विधान संबंधी नैतिकता का पालन करें। अर्थात कि ये जो कानून संबंधी जो नैतिकता है
उसका हम पालन करें। बहुत से लोगों के मन में विधान के लिए बड़ा उत्साह है। मैं उन लोगों में से हूं जो वर्तमान विधान को एकदम फेंक देने के लिए तैयार हैं, कम से कम नए सिरे से इसकी रचना करने के लिए। और हर चीज जो पुरानी हो जाती है वो यदि वक्त के साथ यदि गलत हो तो उसे उखाड़ फेंकना चाहिए, अम्बेडकर जी ये कह रहे हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे विधान में कानूनी व्यवस्था तो है, लेकिन जिस चीज को हम विधान संबंधी नैतिकता कहते हैं उसका अस्थि पंजर मात्र है, कानून है। पर उस कानून को लागू करने के लिए जो एहसास होने चाहिए वो हमारे यहाँ नहीं है। कैसे? इंग्लैंड में ये बात विधान की मर्यादा कहलाती है और लोगों को खेल के नियमों का पालन करना ही चाहिए। एक दो बातें जो इस समय मुझे याद आ रही मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि जब 13 अमरीकी उपनिवेशों ने बगावत की थी, इस समय उनका नेता वाशिंगटन था। यह कहने से कि वाशिंगटन उनका नेता था, अमेरिकी जीवन में जो उसका वास्तविक स्थान था उसे स्पष्ट ही होता है। अब वाशिंगटन के जीवन की घटना के बारे में अम्बेडकर बता रहे हैं ताकि नैतिकता क्या होती है राजनीति में उसका पता आपको चल जाएगा। यह वाशिंगटन उनका देवता था, वाशिंगटन उनका भगवान था, वाशिंगटन का स्थान बहुत ऊंचा था। यदि आप उसका जीवन चरित्र इतिहास पढ़े तो आपको मालूम होगा कि विधान की रचना होने पर वाशिंगटन ही अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट बना। पहला राष्ट्रपति कौन बना था अमेरिका का? वाशिंगटन बना था। जब वहां पर संविधान का निर्माण हुआ था, जब उसकी अवधि समाप्त होगी तो क्या हुआ? और जब उसकी 5 साल का कार्यकाल जब वाशिंगटन का समाप्त हो गया, उसने दूसरी बार प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े होने से इनकार कर दिया। उसने मना कर दिया, दूसरी बार मैं खड़ा नहीं होऊंगा। मुझे इससे कुछ भी संदेह नहीं है कि यदि वाशिंगटन 10 बार भी प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा होता तो हर बार सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना जाता। अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि यदि 10 बार भी वाशिंगटन खड़े होते हैं तो अमेरिका उसे निर्विरोध चुन लेती, पर वाशिंगटन ने मना कर दिया। जब इससे उनका कारण पूछा गया तो उनका उत्तर था, प्रियवर आप भूल गए हमने इस विधान को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। हमने विधान इसलिए बनाया कि हम कोई वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते, हम कोई प्रेतक शासन नहीं चाहते थे। मतलब ये कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम ऐसा नहीं कि मैं राज्य शासन करूं फिर मेरा बेटा शासन करे फिर उसका बेटा शासन करे, ये संभव नहीं है। हमारा जो संविधान बनाया ऐसा है कि चाहे वो यहाँ पर राज कर सकता है। हम कोई अनन्य शासक या डिक्टेटर भी नहीं चाहते हैं। यदि इंग्लैंड के राजा की अधीनता त्याग कर आप इस लोग इस देश में आकर भी मुझको प्रतिवर्ष प्रतिकाल विभाग प्रेसिडेंट बनाए रहने लगे, मेरी पूजा करने लगे, तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा? जब आप मुझे इंग्लैंड के राजा का स्थापन बना देते तब आप कह सकते हैं कि आपने उसमें अधिकार के प्रति विद्रोह किया। अर्थात कि वाशिंगटन कह रहा है कि जब इंग्लैंड का राजा सदियों से इंग्लैंड के एक ही कुल का राजा है, उससे हम लोग मुक्त हुए आजाद हुए और मैं उसकी जगह इंग्लैंड के राजा की तरह मैं ही बार बार शासक बनूं, तो फिर हमारी नैतिकता कहाँ गई, हमारा विधान कहाँ गया? उसने कहा आपका मेरे प्रति विश्वास है, जो भक्ति भाव है, इसके कारण आप मुझ पर दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए दबाव डालने पर मजबूर हो, लेकिन जब मैंने ही सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो हमें वंशानुगत शासन नहीं चाहिए, तो मुझे आपकी भक्ति भावना के वसीभूत होकर भी दूसरी बार खड़ा नहीं होना चाहिए। अंत में लोगों ने कम से कम एक ही बार खड़ा होने के लिए राजी कर लिया, उन्होंने मान लिया। तीसरी बार वे फिर आग्रह करने गए तो उन्होंने धत्ता बता दिया और उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने उनसे आग्रह किया था उसने कहा था कि मेरे प्रति तुम्हारा निश्चल प्रेम है, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं दूसरी बार शासक बनूं, परंतु जो नियम मैंने बनाया है कि ये जो पद है राष्ट्रपति का पद है वो वंशानुगत नहीं होगा, तो फिर मैं इस नियम को कैसे तोड़ दूं? पर जैसे तैसे मिलकर लोगों ने दूसरी बार राष्ट्रपति के लिए उन्हें मना दिया और जब लोग वापस तीसरी बार जब उनके पास गए तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, तीसरी बार वाशिंगटन वहां के राष्ट्रपति नहीं बने। और हमारे यहाँ देखो एक दो नहीं 10-10 बार विधायक बनते हैं, लोकसभा बनते हैं, 90 साल की उम्र हो जाए तो भी एक पैर कब्र में लटका हुआ हो तो भी दूसरा पैर वो संसद में रखने की सोचते हैं। ऐसे लोग भी हमारे भारत में हैं। ये जो सत्ता मोह है, सत्ता एक नशा है, उस नशे से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसी सत्ता के इसी नशे से छुटकारा पाने को नैतिकता कहा है, विधान की नैतिकता कहा है, जो कि प्रजातंत्र के लिए चौथी आवश्यक शर्त है। मैं आपको इसका एक दूसरा उदाहरण दूं। आप 8वें एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर को जानते हैं, ये एक व्यक्ति का नाम है जिनका संपूर्ण चरित्र क्रमशः टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गया था, उस समय वहां बड़ा भारी विवाद चल रहा था। प्रश्न यही था कि क्या राजा को अपनी पसंद की किसी सामान्य स्थिति की औरत से शादी करने का अधिकार है?
मतलब राजा क्या किसी मामूली औरत से शादी करना चाहे तो वो क्या कर सकता है, जबकि नियम ये होता है इन राजाओं के बीच में कि जो शाही राजा थे, शाही लोग थे, इनके घरानों में शादियां हो सकती थी, बाकी नहीं। कहां गया हूं? जबकि वह यह भी नहीं चाहता था कि औरत रानी मानी जाए, अथवा इससे इतनी भी व्यक्ति का स्वतंत्रता नहीं, और ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग ही करना पड़ेगा। और वो जो ड्यूक ऑफ विंडसर है वो किसी साधारण औरत से शादी करना चाहता था, और वो ये भी कहता था कि भले शादी होने के बाद जिस औरत से वो शादी करके लाए उसे महारानी कहे, पर उसे इतना भी व्यक्तिगत क्या अधिकार नहीं था। उसने कहा यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो तुम्हें राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी, अर्थात कि किसी साधारण औरत से शादी करोगे तो राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। हमारा मित्र चर्चिल आठवें एडवर्ड का मित्र था, मुझे अच्छी तरह याद है। मजदूर दल ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया था कि अच्छा न होगा इसी बात को लेकर भी बाल्डविन को हराने की कोशिश की जाए, क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने के कारण अनुदार दल के बहुत से लोग इनका साथ देने के लिए तैयार हो सकते थे। लेकिन मुझे याद है स्वर्गीय प्रोफेसर लास्की ने हेराल्ड में कई लेख लिखकर मजदूर दल के किसी ऐसे प्रयास की निंदा की। उन्होंने कहा हमारी ये परंपरागत मर्यादा है कि बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी चाहिए, यदि हम इस प्रश्न को खड़ा करके श्री बाल्डविन को हरा देंगे तो ऐसा करना हमारी गलती होगी, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह को ही बल मिलेगा। मजदूर दल ने उनकी सलाह मानी और कुछ नहीं किया। देखिए इंग्लैंड में एक्चुअल में क्या है कि वहां की शासन व्यवस्था में वहां आज भी राजा है, अभी भी वहां रानी है, मालूम है? अभी रानी का क्या नाम है, एलिजाबेथ या विक्टोरिया, क्या है? हाँ, एलिजाबेथ, वो आज भी रानी है। हालांकि वहां का चुना हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, सभी संसद की सभी ताकतें किसके हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में, फिर भी कुछ ऐसी परंपराएं वहां पर बनी हुई है कि जो बादशाह प्रधानमंत्री की बात मानता है और कुछ बातों की बादशाह की कुछ नैतिक बातों को वहां की संसद को भी मानना पड़ता है, वहां का राजा होता है। चूंकि वो प्रजातंत्र में राजा की अब क्या जरूरत, परंतु जो इंग्लैंड है उन्हें अपनी गौरवशाली संस्कृति पर, अपनी पूरी पुरानी परंपराओं पर इतना गर्व है, इसलिए उस व्यवस्था को उन्होंने आज भी नहीं बदला है। यदि आप अंग्रेजों का इतिहास पढ़ें तो आपको इससे बहुत से उदाहरण मिलेंगे, जब दल विशेष के नेता किसी एक गलत बात को लेकर अपने विपक्षी दल को कमजोर कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनके विधान को नुकसान पहुंचेगा, प्रजातंत्र की हानि। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जो पक्ष और विपक्ष होते हैं ऐसे लगता है जैसे कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हो, पर जहां देश हित की बात आती है वहां सबको एक हो जाना चाहिए। अभी पिछले कुछ 4-5 महीनों में आपने देखा होगा कि सत्ता में पक्ष और विपक्ष झगड़ा ही कर रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले कितना भी अच्छा काम नहीं करें, कितना भी अच्छा काम करें तो भी विपक्ष को उंगली करने की आदत है, विरोध का स्वर ऊंचा करना। अभी जैसे अभी एक कृषि विधेयक पारित हुआ है और वो डंके की चोट पे मैं कहता हूं कि उस कृषि विधेयक से आम किसानों को फायदा ही है, परंतु उसमें जो दलाल के, जो मंडी के जो दलाल थे उनको उससे नुकसान हो रहा है। पर विपक्ष को विरोध चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं कि इस बात के ऊपर भी पूरे देश में विरोध की लहर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पर देखो झूठ झूठ होता है, वो ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता है, वो हल्का फुल्की लहर पैदा कर सकता है पर लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए पांचवी शर्त ये है कि पक्ष के साथ विपक्ष दोनों को मिलकर देश के स्वार्थ के हित में फैसले लेने चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी व्यक्ति को भेजा था संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तब इंदिरा गांधी कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी और सामने विपक्ष में थी बीजेपी, बीजेपी में एक व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। इंदिरा गांधी को पता था कि भारत की आवाज को सबसे बेहतर ढंग से कौन रख सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी रख सकते, भले वो विपक्ष में थे, उन्हें वहां का राजदूत बना के भेजा, दूत बना के भेजा था संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें संबोधित करने के लिए। इसे कहते हैं एक शुभ अच्छी राजनीति, पर वो राजनीति आज दुर्लभ हो गई है। यदि आप अंग्रेजों का इतिहास पढ़े तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब दल विशेष के नेता, ये हो गया प्रजातंत्र की सफलता के लिए। एक और बात है जो अत्यंत आवश्यक है, वह यह कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं है, अर्थात कि अल्पसंख्यकों, कम संख्या वाले लोगों उसके ऊपर बहुमत, जो ज्यादा संख्या वाले लोग हैं वो अत्याचार कभी न करें।
अल्पमत का हमेशा विश्वास बना रहना चाहिए कि यद्यपि शासन की बागडोर बहुमत के हाथ में तो भी अल्पमत को हानि नहीं पहुंचा रही है और अल्पमत पर कोई अनुचित प्रहार नहीं कर रहा है। अर्थात कि अल्पमत जहां कुछ लोग कम संख्या में हो और वहां पर दूसरी जाति के लोग ज्यादा संख्या में हो, तो जो कम संख्या वाले लोगों को पता है कि उनकी सत्ता तो कभी वापस आएगी नहीं, सरकार उनकी बन नहीं सकती है, पर उनके मन में हमेशा विश्वास होना चाहिए कि सरकार हमेशा बहुमत की आएगी परंतु कभी भी अल्पमत के साथ नाइंसाफी नहीं हो। ये एक ऐसी बात है जिसका ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहुत ख्याल रखा जाता है। आप ऐसे काफी लोगों को इंग्लैंड के 1831 के चुनावों के परिणाम याद होंगे। उस समय श्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने मजदूर दल से त्यागपत्र दे दिया था और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। चुनाव आए तो जिस मजदूर दल के मैं समझता हूँ 150 सदस्य थे, 625 के 85 कुल सदस्य संख्या में से केवल 50 रह गए। श्री बाल्डविन प्रधानमंत्री बने, तब मैं वही था, लेकिन मैंने एक बार भी यह नहीं सुना कि मजदूर दल के इन 50 जनों के अल्पमत ने, जो कि अनुदार दल के बहुमत की तुलना में बहुत ही अल्पमत था, कभी इस बात की शिकायत की कि उनके बोलने के उचित अधिकार से वंचित रखा गया है, विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया अथवा प्रस्ताव उपस्थित करने की सुविधा नहीं दी। मतलब ये कि जो एक सरकार जो विपक्ष में थी उसकी सीटें बहुत कम आई। जैसे आपने देखा होगा कि पहले एक समय था कि कांग्रेस की भारत में संसद में 400 सीटें हुआ करती थी, अभी और पिछले चुनाव में सिमट कर वो 40 पे आ गए। पर कभी भी ऐसा हुआ कि भारत की संसद में कांग्रेस के विधायकों को या सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिला हो? वो तो भी बोलते हैं, संख्या में भले कम है, बीजेपी और जो एनडीए का गठबंधन बड़ा है उनकी सीटें ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा है, उनके सांसद ज्यादा है, फिर भी अल्पमत में जो है उन्हें बोलने के अधिकारों से कभी भी वंचित नहीं किया गया है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अल्पमत की आवाज कभी दबनी नहीं चाहिए, उनकी आवाज मुखर होनी चाहिए। ये किसी प्रजातंत्र के लिए छठी आवश्यक शर्तें हैं। यह जो विरोधी पक्ष के लोग लगातार निंदा का प्रस्ताव या कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव लाते रहते हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन तब भी आपने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि चाहे निंदा का प्रस्ताव हो चाहे कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव हो, शायद ही कभी किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ होगा। अर्थात कि संसद में जो भी मसले आए जिसके ऊपर चर्चा बहस होनी चाहिए, चर्चा और बहस नहीं होगी तब तक एक मजबूत कानून का कभी भी निर्माण नहीं हो सकता। मुझे इससे काफी आश्चर्य हो रहा है, जब मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के वाद विवाद की रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मुझे एक अवसर नहीं दिखाई देता जब अध्यक्ष ने किसी कार्य के स्थगित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति न दी हो। हाँ, यदि सरकारी आज्ञा ही हो तो दूसरी बात है। जब मैं मुंबई विधानसभा का सदस्य था, हमारे मित्रों में से कुछ श्री मोरारजी, श्री मुंशी तथा खरे दूसरे कुछ लोग सत्तारूढ़ थे, उन्होंने एक बार किसी कामरों को प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। या तो हमारे मित्र श्री मावलकर जो उस समय अध्यक्ष थे उसे विधान बाह्य कहकर सहायक हो जाते थे, जैसा उन्होंने स्वीकार किया मिनिस्टर विरोध कर देते थे। आप जानते हैं कि जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तब क्या करना होता है, जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो भी आदमी कामरों को प्रस्ताव लाता है, उसमें जो भी नियमित संख्या होती है तदनुसार 30 या 40 हस्ताक्षर उपस्थित करने पड़ते हैं। यह हो सकता है कि यदि सरकार इस बात का निश्चय कर ले कि बस ऐसे सब कामरों को प्रस्ताव जो ऐसे लोगों की ओर उपस्थित किए जाते हैं जो 4-5-6 जैसी अल्पसंख्या में लोकसभा के सदस्य है, तो अल्पमत रखने वाली जातियों या वर्गों को किसी भी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सके। इसका परिणाम क्या होता है, इन अल्पमतों में इस प्रकार की विधान विरोधी विद्रोही भावना पैदा होने लगती है। इसलिए आवश्यक है बहुमत को ऐसा काम न करे जिससे अल्पमत के प्रति इनका निरकुंस व्यवहार कहा जा सके। मतलब ये कि कुल मिला के ये कि निरकुंसता नहीं होनी चाहिए। बहुमत संख्या में ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि संख्या बल से वो किसी को डराए। आप अल्पमत को डरा के उनकी आवाज को आप रोक नहीं सकते। जहां पर बहुमतों के बीच में भी अल्पमत अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तो इसका मतलब सोचिए कि वहां पर प्रजातंत्र सफलता के शिखर पर पहुंच रहा है। क्लियर, आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि इतना बोरिंग पार्ट अपनी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा, पर इसको कल खत्म कर देंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं, प्रश्न उत्तर भी कल अपन कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए।